लगातार अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ द्वारा चेकिंग के दौरान 3 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 8 किलो के लगभग सोना काबू किया गया है, जिसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई और आगे की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि पंजाब से यूपी मुरादाबाद की तरफ हावड़ा एक्सप्रेस में तलाशी ली गई, क्योंकि इसमें सोना ले जाने की सूचना थी। चेकिंग के दौरान 3 यात्रियों को 8 किलो सोना के साथ काबू किया गया। सोना मिलने की सूचना इनकम टैक्स को दी गई है। कल हमको सूचना मिली थी कि यूपी की ओर जाने वाली ट्रेन 1306 हावड़ा अमृतसर मेल में कुछ लोग सोने की को ले जा रहे हैं या स्मगलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में पक्का नहीं है, लेकिन ले जाने की सूचना थी। उस सूचना पे हमने उस ट्रेन को चेक किया गया, तो उसमें करीब 3 लोग जिनके पास से हमको करीब 8 किलो सोना मिला है, जिसकी जांच के लिए हमने अभी इनकम टैक्स की टीम को बताया गया है, तो उसकी जांच कर ली है। बाकी जो स्मगलिंग का है, क्या है उनका है, वो इनकम टैक्स की जांच में पता करेंगे। जो बिल प्रोड्यूस करेंगे तो उनका है, नहीं है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कहाँ जा रहे थे ये लोग? अमृतसर से यूपी यानी मुरादाबाद, बरेली, इनमें ना सोने से बने आइटमों जेवरों की सप्लाई करते हैं। कितने के लगभग का जेवर? ये करीब करीब 8 किलो का जेवर है। अभी प्रथम दृष्टा तो उनको थोड़ा क्या है, हैंड हाथ से बना हुआ बिल था जो थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ है। बाकी उसकी जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग को बुला लिया गया, बाकी अग्रिम कार्रवाई वो जांच करके उस हिसाब से की जाएगी। अब तक ये तीसरी बार आरपीएफ को संभाला द्वारा सोना पकड़ा गया है। इसमें करीब करीब आप अप्रोक्स 7 करोड़ तक का सोना हमने जब्त कर लिया है। इनकम टैक्स इंचार्ज ने बताया कि हमें रेलवे द्वारा सोना पकड़े जाने की सूचना मिली थी, हम वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं, आगे की कार्रवाई जारी है। वेरिफिकेशन इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। रेलवे की तरफ से हमें सूचना मिली थी कि सोना पकड़ा गया, तो हम इसकी वैल्यूएशन के लिए अंदर बताएंगे। वैल्यूएशन करके बताएंगे प्राइमरली कुछ क्या कर रहे हैं, इनका तो है हमारे पास, चेक कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी है, अभी चार लोग हैं। ठीक। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।